वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों कोविड की बीमारी शुरू हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऑल पार्टी मीटिंग सदी जिथे उन्होंने सारियां तो विचार लिते ते मैं उस मीटिंग च कहा सी कि कैप्टन साहब असी कोई किंतु पिंतु नहीं करना चाहते, जो तुसी करना चाहो तुसी करो, असी थोड़े नाल हैं, क्योंकि हर जंग विच जरनैल इक ही होना चाहिए ते क्योंकि यह बीमारी यह जी है पूरे दुनिया च इस बीमारी ने घेरा पाया ते देश विच बड़ी वड्डे पद्धर ते बीमारी फैल रही है ते पंजाब नूं बचाउण दी बड़ी लोड़ है। ते असी क्या साडे तरफों साडी पार्टी तरफों तुहानूं कोई भी चीज़ की लोड़ पए, सपोर्ट की लोड़ पए, सहयोग की लोड़ पए, असी सेवा च हाजिर हैं। श्रोमणी मैनूं बड़ी खुशी नाल कहना पैंदा है कि श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां ने बड़ा सहयोग दिता कोविड की लड़ाई विच, अपने कोलों साढ़े कई पिंडां विच वर्करां ने अपने कोलों राशन कट्ठा करके लोग गरीब जनता च वंडिया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हर रोज़ लंगर ला के लखां लोगों नूं लंगर का प्रबंध करके लंगर खवाया। श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां ने जिथे लोड़ पई, जिथे जाना पिया उथे गए, पूरी मदद कीती। अज मैनूं अफसोस नाल कहना पैंदा कि जो सरकार की जिम्मेवारी सी सरकार ने बिल्कुल ही निभाई। जो सरकार का जरनैल हुंदा लड़ाई जदों हुंदी है वह अगे होके लड़ता हुंदा, जिस कौम का जरनैल, जिस सरकार का जरनैल, जिस फौज का जरनैल आप हाजिरी ना होए वो लड़ाई कैसे जीती जाऊगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री जदों दी कोविड की लड़ाई चल रही है एक दिन भी अपने घरों बाहर नहीं आए। कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के MLA आप कह रहे हैं कि बुरा हाल है पंजाब। अज मैं गल की, कई डिप्टी कमिश्नर गल की, वह शर्मशार हो रहे थे कि साढ़े कोई कमरा है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं। लोग जी आम जनता का विश्वास सरकारी जड़े हस्पताल ते क्यों उठ गया, क्योंकि सरकारी हस्पताल तो बंदा चले जाता है पर उधर निकलना बड़ा औखा है, कोई इंतजाम नहीं है, कई मौतां बगैर इंतजाम ना होने करके हुई है, कोई परवाह भी नहीं है। कैप्टन साहब जदों ये बीमारी चलती है, जंग होती है, जरनैल हर रोज पता करता है कि हो रहा, किवें हो रहा, आप जाके करना पैंदा, पर तुसी तां निकले नहीं, ना थोड़े कोई मंत्री निकल रहे, सारा कुछ ही अफसरां ते छेड़ दिता है। आ जिहड़ियां लड़ाइयां है आ पोलिटिकली लोगों ने सहयोग लैके लड़िया जांदियां है, पर क्योंकि थोड़ी सरकार बिल्कुल गायब है, लोगों का भरोसा उठ गया। प्राइवेट जिहड़े हस्पताल है वह बेचारे कोविड के लोगों नूं पेशेंट नूं लै नहीं रहे ते पंजाब दी जनता दे विच बहुत दुख है। मैनू हुणी कल भी टैलीफोन आया, एक मेरे साडी पार्टी का वर्कर सी कि जे बठिंडे सानू हस्पताल मेरे परिवार विच कोविड आ गया, बठिंडे कोई बैड दवा दिओ, कोई बैड अवेलेबल नहीं सी। मैं फिर दूजे शहरां जी पता कितें कोई अवेलेबल नहीं सी, हुण की होगा उन्हां लोकां दा। अज बीमारी वध रही है, पहले पहले बीमारी घट सी, हुण जिस स्पीड नाल वध रही है बहुत भयानक दिन आ सकते हैं जे आपां कंट्रोल ना कीता। कैप्टन साहब अपने घरों निकलो, घर निकल के मीटिंग करके इंतजाम करो। दूजे कई मुख्यमंत्रियों ने मैं देखा बहुत वधिया इंतजाम किया, उन्होंने कई मैरिज पैलेसां नूं हॉस्पिटल कन्वर्ट कर लिया, कई ने स्टेडियम इन्हां नूं हॉस्पिटल कन्वर्ट कर लिया, पर अपने पंजाब च किसी चीज़ का कोई प्लान नहीं। जिन्ने बिस्तरे सी उदों ही सी उन्ने ही है ते हुण सारे भर गए है ते लोकां कोल जाण नूं जगह नहीं है। हुण तां पिंडां ते पिंडां ने पंचायतां ने रेजोल्यूशन पास करता कि असीं सरकारी हस्पतालां च नहीं जाणा, जिहड़े कोविड टैस्ट करन आउंदे आ उन्हां दे मगर पैण लग गए लोग, क्यों? उह कहिंदा तुसीं टैस्ट कर दिंदे हो पर लै के जाने ऐसी जगह ला के सुट्ट दिओ जिथे ना असीं साह लै सकीए, ना सानूं खाणा मिलदा, ना सानू कोई रहन दी जगह, ना कोई इंतजाम है, असी जे सानू नुकसान हुंदा घरे रह के असीं मंजूर कहिंदे असीं फिर भी सुखी है। तो इस करके जय जी हालात पंजाब दी बणी है, बड़ी अफसोस नखना पैंदा, बहुत माड़ी हालात बन रही है कोविड की। तो मैं कैप्टन साहब नूं तुहानूं हाथ जोड़ के बेनती करदा, कैप्टन साहब तुसीं मुख्यमंत्री हो, प्लीज़
मीटिंगां करके पंजाब दी जनता नूं बचाओ, नहीं तो पंजाब दा बहुत बुरा हाल हो सकता है। थोड़े कोल जिम्मेवारी है, थोड़ी जिम्मेवारी है, थोड़े कोल ताकत है, तुसीं सारी मशीनरी दे कंट्रोल करदे हो। सो जे तुसीं नहीं करना तो फिर छड़ जाओ, क्योंकि इस जैसा समा आ रहा है पंजाब नूं एक स्ट्रोंग लीडर की लोड़ है, जिहड़ा लीडर विचरे, जिहड़ा पंजाब की जनता के दुख दर्द समझे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।